निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। कोहली की दया याचिका पिछले साल 27 जुलाई को राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अमर सिंह से भी पूछताछ की गई है। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा मौत मामले में पूछताछ के लिए अमर सिंह को बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड कैंप के आखिरी दिन छात्रों के बीच पहुंचे। बता दें कि नरेंद्र मोदी भी एनसीसी कैंडिडेट रह चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कैडेट्स से 21 जून को एक साथ योग करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी की रैली को संबोधित किया। एनसीसी और उसके शिविरों के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता में एकता के सर्वोत्तम उदाहरण है और विविधता में एकता भारत की ताकत को दर्शाती है। भारत ने कहा कि उसकी चीन के साथ सीमा विवाद का हल चाहता है और चीन को भी आगे आना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सीमा समस्या का हल करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सभी विवादों का शांतिपूर्ण हल चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रतिद्वंदी दल के वरिष्ठ नेता पर मीडिया में आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ फर्जी खबरें चलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि आप इसकी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। सेंसेक्स ने 29,786.32 का रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर छुआ तो निफ्टी ने 8,985.05 के रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर दस्तक दी। हालांकि दिन के कारोबार में सेंसेक्स 29,417.67 तक लुढ़का था तो निफ्टी ने 8,874.05 तक गोता लगाया था। वर्ल्ड कप से पहले वेस्टइंडीज टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब विंडीज टीम के स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन ने वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने वर्ल्ड कप में जाने की बजाय गेंदबाजी एक्शन पर और काम करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी करार देते हुए कहा कि इस्लामाबाद पारस्परिक सम्मान और संप्रभु समानता के आधार पर भारत के साथ सामान्य संबंध चाहता है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।